रिम्स में आज लालू यादव से उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की मुलाकात हुई। तेज प्रताप यादव का पहले कोरोना टेस्ट किया गया। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान बिहार चुनाव पर चर्चा हुई। बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद पर तेज प्रताप के दिए बयान से लालू यादव नाराज चल रहे। लालू पिछले 3 साल से सजा काट रहे हैं, लेकिन आज भी बिहार की सियासत लालू से ही शुरू होती है और लालू पर जाकर खत्म भी हो जाती है। और जब बिहार चुनाव पास है तो सियासत तो लालू के इर्द गिर्द ही सिमट जाती है। इसी कड़ी में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लालू से मिलने रिम्स पहुंचे। मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात से पहले तेज प्रताप यादव की कोरोना जांच हुई। रिपोर्ट नेगेटिव आई, फिर मुलाकात हुई। मुलाकात को लेकर फिर जितनी मुंह उतनी बातें हुई। झारखंड में कोरोना है। हाँ बोलिए। देखिए फिलहाल तो पिताजी का तबीयत का हाल चाल लेने के लिए हम गए थे, और थोड़ा पीछे होइए ना, पीछे थोड़ा सा पीछे। पिताजी का हाल चाल, तबीयत का हाल चाल लेने के लिए गए थे। बस हमारे यही पिताजी से मिलने की मंशा थी, और कुछ नहीं। चाचा है हमारे। हाँ चाचा है, चाचा मान गए, बातचीत हुई उनसे। कौन मान गया क्या? रघुवंशी से बातचीत हुई। तो बातचीत तो हमेशा हो रही है, लगातार हमारी बातचीत होती है। आज मॉर्निंग में भी बात हुई है, लगातार बातचीत होती है, सभी लोगों से बात होती है। कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं आपसे ना? अरे ना ना ना, ये सब रूमर आप लोग के जरिए उड़ रहा है। ये सब नाराज वराज नहीं है कोई। आप कहाँ से लड़ेंगे? महुआ से लड़ेंगे? नाराज हम पूरे बिहार से लड़ेंगे, पूरे बिहार से। चलिए, और सीट बदलना है क्या? हम पूरे बिहार से लड़ेंगे। लीजिए कोरोना, अभी कोरोना हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको आश्वासन दिए कि बयान किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं देना जिससे दल को परेशानी हो, नुकसान हो। और क्या की संस्थाएं हैं, हम लोग चुनाव लड़ेंगे पूरे बिहार में। हमारे पार्टी लड़ेगी आरजेडी, और हम लोग लाल बाबू यादव के साथ आए थे यहाँ लालू जी के पास। तो मैंने हम लोग अच्छा रूप में लिए हैं, मैंने अच्छा रूप में गार्जियन है, गार्जियन से मिलने के लिए आए हैं, सलाह लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए हैं। और बिहार में जो है गठबंधन को कोई रोकने वाला नहीं है, बहुत मन सीट से आगे से निकलेंगे। मुलाकात हुआ है, पूरा आश्वासन मिला है कि लाल बाबू तैयारी में लागे, लाल बाबू यादव। तेज प्रताप तो पहुंचे ही थे दिल्ली से, एक शख्स बाकायदा श्रीमद् भगवत गीता लेकर आए थे। आरजेडी के वरीय नेता और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता कमलनाथ जी आए हुए, अमरनाथ गुप्ता जी, और मैं देख पा रहा हूं कि इनकी गाड़ी में भागवत गीता भी है। कहा जाता है कि जंग में सब कुछ जायज है, शायद भागवत गीता इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। क्या कहना चाहेंगे, भागवत गीता लेकर आया? हमारे पिता हैं, हमारे गार्जियन हैं लालू जी, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन हम संदेश देना चाहते हैं बिहार और देश के आवाम को कि हम लोग शांतिपूर्ण आदमी हैं, और कृष्ण भगवान के वंशज हैं लालू यादव। वो दिखाना चाहते हैं कि जो देश दुनिया में चल रहा है, हमारे जैसे आदमी को जो केंद्र सरकार है जबरदस्ती अंदर किए हुए है। कौन कौन सा किताब लेकर हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाने की कोशिश करेंगे कि कमलनाथ गुप्ता जी के हाथों में भागवत गीता है, तत्व विवेचनी हिंदी टीका, यत्र वसुधा कृष्णा पार्थो पार्थो धनुर्धरा, देखेंगे श्री गर्ग संहिता, श्री कृष्ण कथा अमृत हिंदी अनुवाद, गीता प्रेस गोरखपुर की किताब, और कहा जाता है कि जंग में सब कुछ जायज है। तो कुल मिलाकर बिहार के सियासी मौसम की तपिश झारखंड में भी इन मुलाकातों के सहारे महसूस की गई। रांची से न्यूज़ 9 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट।